भारत को पहरेदारों ने लूट लिया, महज थोड़ी सी बची थी उसको भी आती जाती सरकारों ने लूट लिया। पहले एक अच्छा इंसान बनी, बाद में हिंदू मुसलमान। गंगा के तट पर बसा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या से चलकर हम आ पहुंचे हैं मिर्जापुर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं वोट का धर्मचक्र। और वोट के धर्मचक्र में आज बात होगी मिर्जापुर की, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मिर्जापुर में धर्म कैसे सियासत को प्रभावित कर रहा है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मिर्जापुर में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम रहने वाले हैं। टिंकू बाबू, यहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है माँ विंध्यवासिनी का, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? इस बार के विधानसभा चुनाव में ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इसका महत्व है? बहुत महत्व है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। धर्म को लेकर जो काम कर रही है सरकार, खासतौर पर मंदिरों का जो जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, अब विश्वनाथ जी का बढ़िया, देखिए जगह पहले काफ़ी कंजेस्टेड था, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया। पब्लिक को भी धक्का धुक्की से सब लोग बच रहे हैं। और देखिए यहाँ भी पहले क्या था कि पहले आने जाने की भी दिक्कतें होती रहती थी, अब देखिए कितना बढ़िया दर्शन हो जा रहा है और सब लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को परेशानी से। पहले जनता उजलती थी, अब बहुत दूर हो गई है। तो इस बार के चुनाव में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका काम? देखिए अखिलेश का भी अपने शासन सत्ता में उनका भी काम अच्छा था, और इनके कार्यकाल में भी इनका काम भी अच्छा बोल रहा है, और हो सकता है कि 2022 में योगी का सरकार फिर हो सकता है बने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 331 करोड़ रुपए की लागत से योगी सरकार विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का निर्माण कार्य करा रही है। ये मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि एक सिद्ध पीठ है, और पूरे देश से यहां पर लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। चूँकि यहां पर कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इसीलिए आपने देखा कि पहले जो सड़कें थी वो बहुत सक्रिय हुआ करती थी, अब यहां पर जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़ा गया है। इसके साथ ही सरकार ने आसपास के जो मकान थे वो कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए लिए हैं, और उन सभी का मुआवजा भी दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं, यहां पर जो सड़कें थी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, जो श्रद्धालु आते थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए सड़क का जो है वो चौड़ीकरण किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और जो रास्ते में मकान पड़ रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। दूसरे तट पर आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर घाटों का भी निर्माण कार्य कराया जाएगा, ताकि जो भी श्रद्धालु विंध्याचल में आए वो माँ गंगा में स्नान करें और सीधे यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करें। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 331 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने जा रही है। जो पहले चरण का काम है वो लगभग पूरा किया गया है, जिसमें ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं। इसके साथ ही जो मेन सड़क से मंदिर को जोड़ने वाली सड़कें हैं, रास्ते हैं, गलियां हैं, उनको चौड़ा किया जाएगा, और जब ये फाइनल स्वरूप बनकर तैयार होगा तो कुछ ऐसी तस्वीर होगी जैसा आपने काशी विश्वनाथ में देखा होगा। सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, ताकि ये जो सिद्ध पीठ है यहाँ पर आने में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही धार्मिक रूप से भी ये मंदिर बहुत महत्व रखता है, और जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु हैं हर साल यहाँ पर आते हैं। जीवनदायिनी माँ गंगा के तट पर बसा मिर्जापुर और यहाँ का विश्वविख्यात मंदिर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, न सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी का जो मंदिर है वो एक सिद्ध पीठ है। यहाँ के मंदिर की महत्ता को जानने के लिए हमारे साथ राजन मिश्रा जी हैं। राजन जी, अगर माँ विंध्यवासिनी मंदिर की बात की जाए तो इसका क्या महत्व है और किस प्रकार की जानकारी अभी तक उपलब्ध है? जी, ये माता विंध्यवासिनी का जो मंदिर है, हमारे अवसनस पुराण में आया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के
विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगल प्रदम। इसके समान पूरे अनंतानंत कोट ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है। यहाँ पर बृहद नील तंत्र में आया है कि संगमे विंध्य गंगायाम विंध्य विंध्यवासिनी। जहाँ पर माँ भागीरथी माँ गंगा और विंध्य पर्वत का संगम हो, वहीं ईशान कोण में यहाँ माँ विंध्यवासिनी का दरबार लगा है, जो आप लोगों को देखने यहाँ मिल सकता है। यही वो जगह है जहाँ पर चार देवी चारों तरफ मुख करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। महालक्ष्मी के स्वरूप में माता विंध्यवासिनी, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, महाकाली काली खो में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके महाकाली, और माँ अष्टभुजा यह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और माँ तारा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यह दसों दिशाओं और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रही हैं। इसलिए यहाँ की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अगर त्रिकोण की कहीं व्यवस्था है तो यही विंध्याचल में है। जय माँ विंध्यवासिनी। रंजन जी, अब यहाँ पर सरकार ने ये फैसला किया है, क्योंकि पहले जो श्रद्धालु आते थे उनको बहुत दिक्कतें होती थी यहाँ पर आने में, पहुँचने में सकरी गलियाँ थी, आने जाने के साधन नहीं थे। तो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य बनाया गया, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर विंध्य कॉरिडोर की कल्पना है और यहाँ पर उसको डेवलप किया जा रहा है। विंध्य कॉरिडोर के बन जाने से मिर्ज़ापुर और ख़ासतौर पर जो धार्मिक श्रद्धालु आते हैं उनको कितना फायदा पहुंचने वाला है? जी जी, ये जो विंध्य कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, यह हम ये मानते हैं कि यह भगवती की बड़ी असीम कृपा है, जो यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, इसमें कोई चीज का अगर निर्माण होता है तो हम सभी को कुछ न कुछ कष्टों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। लेकिन वो तो एक अलग की बात है, यहाँ विंध्य कॉरिडोर बन जाने से यहाँ का पर्यटन स्थल, यहाँ का सौंदर्यीकरण का जो बढ़ावा मिलेगा, जो यहाँ की पब्लिसिटी बढ़ेगी, और यहाँ जो भक्तों का हुजूम एक आएगा, जैसा कि आपने काशी कॉरिडोर में देख रहे हैं, तो यहाँ बड़ा ही दिव्यवत होने जा रहा है, और निकट भविष्य में यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से इस कॉरिडोर का जो निर्माण है, जो कि नक्शा बना है, उसके तहत बहुत ही दिव्यवत होगा। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय जगह है गंगा के तट पर बसा ये मिर्ज़ापुर और यहाँ का विंध्याचल मंदिर। जो राजनीतिक जगत की हस्तियाँ हैं, हर व्यक्ति अगर मिर्ज़ापुर के आसपास है तो यहाँ विंध्याचल के मंदिर में ज़रूर आता है माँ से प्रार्थना करने के लिए, ताकि उनको चुनाव में विजय मिले। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बार के चुनाव में यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं और धर्म कैसे यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, अगर मिर्ज़ापुर के डेवलपमेंट की बात करें तो मौजूदा सरकार ने काम किया है सड़कों का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया है, इसलिए कहा जा सकता है कि जो अमृत योजना है, सड़कों का हाल आप हैं, लेकिन अमृत योजना का जो कार्य चल रहा है, इस वजह से सड़कें तुरंत में नहीं बनाई जा सकती हैं। अभी हमारे बनारस जाते वक्त आप देखिएगा, हाईवे वगैरह NH भी है, तो सब फर्स्ट क्लास रोड पे तो काफ़ी अच्छा काम अटल जी के समय से भी हुआ, मोदी जी के भी समय से हुआ, योगी जी ने भी किया ऐसा। इस बार कौन जीतता हुआ मिर्ज़ापुर? नहीं, यहाँ तो विधायक जी रत्नाकर मिश्रा जी यहाँ के तो हीरो रहे हैं मिर्ज़ापुर जिले के, एकदम ऐसा नहीं है। तो BJP का पलड़ा भारी है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। पहले भी मिर्ज़ापुर आए होंगे और अभी आए हैं माता के दरबार में, क्या कुछ बदलाव आपको दिखा? इसमें बहुत परिवर्तन, जो कॉरिडोर वगैरह बना रहे हैं, पहले तो कुलियों से होकर के माता जी के दरबार में जाना होता था, दो व्यक्ति एक साथ में नहीं जा सकती थी, इतनी सकरी कुलियाँ थी। अब तो ऐसी रास्ता बन चुकी है कि आप 4-व्हीलर भी लेके आराम से पूरे चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो, बढ़िया स्थान है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बहुत डेवलपमेंट होगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इस बार चुनाव भी हैं, और जिस तरीके से मौजूदा सरकार जो हिंदू धर्म के स्थान हैं, मंदिर हैं, उनका विकास कर रही है, तो धर्म भी एक फैक्टर है, धर्म को लेकर जो काम किया जा रहा है वो भी एक मुद्दा होना है या होना चाहिए? नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इस बात को, कि धर्म तो हर किसी का अपना अपना है। अब अपनी आस्था हिंदू धर्म से है तो अपन हिंदू धर्म के मंदिरों की बात करेंगे जी,
है ना। अब ऐसा नहीं कि और दूसरे धर्म में भी काम नहीं हुआ, सभी धर्मों में काम हुए हैं और मंदिरों का तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं अपन तो बहुत अच्छा, खासकर यूपी में तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। यूपी की गवर्नमेंट ने जहाँ तहाँ जितने भी मंदिरों में देख रहे हैं अच्छा विकास हो रहा है, इससे अपनी आस्था और बढ़िया बढ़ रही है उसमें। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी योगी की जोड़ी जीतेगी? हाँ जीतेगी, फिर आएंगे, जीतेगी जीतेगी फिर आएंगे। महिलाओं के लिए भी तो उन्होंने कहा बहुत 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 काम किया उन्होंने, महिलाओं के लिए भी काम किया है, देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, फिर जीतेंगे उन लोग। स्टेट में योगी जी का बहुत अच्छा काम है और सेंट्रल में मोदी जी का बहुत अच्छा काम है। स्टेट में योगी जी का बहुत अच्छा काम है और सेंट्रल में मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, यानी दोनों ने मिलकर के, दोनों की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत देश की जो छवि है, भारत देश की स्थिति है, पहले से अब बहुत अच्छी हो चुकी है। चक्र में हम आ पहुंचे हैं विंध्याचल और विंध्याचल में माँ तारा देवी का ये मंदिर है, ये शक्तिपीठ है और कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा स्थान नहीं है जितना पवित्र स्थान ये है। सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है, ये एक शक्तिपीठ है और वर्तमान में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोई भी बड़ा राजनेता ऐसा नहीं होगा जो अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर आया ना हो माँ तारा देवी के मंदिर पर। यहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम दिग्गज लोग आते हैं, चुनाव के वक्त में भी, उससे पहले भी, और उनको ये लगता है कि यहाँ पर पूजा करने के बाद माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और उनको चुनाव में जीत मिलेगा। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। पुजारी जी, चुनाव के वक्त में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ बड़े लोग जो यहाँ पर आए हों जिनकी मनोकामना माँ ने पूर्ण किया? से यहाँ के भक्त राजनाथ सिंह हैं, मैनाथ पांडे हैं और विशेष उमा भारती भी आती हैं, लालू भी आते हैं। तो बड़े बड़े नेता लोग जब भी उनकी इच्छा होती है तो माँ के दरबार में विशेषता आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अच्छे से बैठ के श्रृंगार पूजा आरती भगवती का और नेब्बू आबू का अपन बलि उलि करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को, अपनी अर्जी माँ से लगाते हैं और वो आज फिर लगा के जाएंगे। अब बोल के जाएंगे माँ तो जा तो रहे हैं, हमारा ध्यान देना, जब हम बनेंगे तो फिर आएंगे, बनते हैं तो फिर आते हैं माँ के चरण में, अपना पूजा पाठ फिर करवाते हैं। तो आपने सुना कि हिंदुस्तान के जो तमाम दिग्गज राजनेता हैं वो माँ तारा देवी के मंदिर में आते हैं, माँ से यही मनोकामना मांगते हैं कि चुनाव में उनको जीत हासिल हो और माँ ज़्यादातर नेताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उसके बाद दोबारा जीतने के बाद यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चन करते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में भी इससे पवित्र स्थान नहीं है और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक इस वक्त माँ तारा देवी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। भारतीय राजनीति और इस मंदिर का एक गहरा रहा है। भारतीय राजनीति में अब तक जितने दिग्गज नेता हुए हैं हर नेता यहाँ पर आता है और माँ तारा शक्तिपीठ में आकर यहाँ पर पूजा अर्चन करता है, नमन करता है। कहा यह जाता है कि चुनाव से ठीक पहले जितने भी बड़े नेता हैं वो माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और यहाँ पर जीत की मनोकामना मानते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, अमित शाह और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और उनकी यही मनोकामना होती है कि चुनाव में उनको माता विजय दिलाएं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी यहाँ पर नेताएं हैं, माँ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है तो वोट के धर्मचक्र में राजनीति का इस मंदिर से गहरा नाता है। सब कहते हैं गद्दारों ने लूट लिया, भारत को पहरेदारों ने लूट लिया, महज थोड़ी सी बची थी उसको भी आती जाती सरकार लूट लिया। पहले एक अच्छा इंसान बनिए, बाद में हिंदू मुसलमान बनिए। और ये आगे देखें कि ज़माने अभी और बदतर आएंगे, रहनुमा एक नहीं 70 आएंगे, जिसे भी करिएगा झुककर सलाम उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे। और देखें कि लोग सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, लोग
सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, जबकि खुद ही गिर गए हैं अपने आप में क्वालिटी से। हम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर है नहा लेते, वो नहीं नहा पाते 10 बाल्टी से। और जो भी हम लोगों का जीवन रहा है वो साहित्यिक रहा है। साहित्य के अतबार से मैं बता रहा हूँ आपको कि पूर्वांचल के त्रिदेव हुरमत प्रताप भवदेव, इनके बहुत अजीज थे काशी अनवर जयदेव। ये हमारे लिए हमारी मातृभूमि है और मिर्ज़ापुर के लिए है कि हमारे यहाँ 83 घंटा घर है। उस पर सुनिएगा कि भारत में यूपी पूर्वांचल की शान है, भारत में यूपी और पूर्वांचल की शान है, ऐसा नहीं है कहीं का पार्क जैसा शहीद उद्यान है। वोट के धर्म चक्र में आज मिर्ज़ापुर से बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे एक नई जगह और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में धर्म कैसे चुनाव को प्रभावित कर रहा है।